सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 395 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जब कमांडर ट्यूबा अपनी बेटी को ना चाहते हुए भी एल्डर सी की गोद में बैठा हुआ देखते हैं, तो वे इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में एल्डर सी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उस सिचुएशन को संभालने के लिए नेशनल मास्टर कमांडर ट्यूबा को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि ब्रदर ट्यूबा, क्या आप इन मास्टरों से वॉर में शामिल होने के लिए कहने के लिए आए हैं। तो अब इधर ये सुनकर के कमांडर ट्यूबा भी अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, एल्डर्स प्लीज विंडगेट सिटी की अरे फॉर्मेशन को तोड़ डालें और मेरी आर्मी को उस सिटी में घुसने में मदद करें। तो अब इधर कमांडर ट्यूबा की ये बात सुनने के बाद एल्डर सी भी अपनी घिनौनी सी जीव निकालते हुए कहता है कि ओ कमांडर ट्यूबा, हम लोग इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, ना कि तुम्हारे कोई सोल्जर्स, और उन अरे फॉर्मेशंस को तोड़ने का काम तो तुम्हारा है ना। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सपर्ट के साथ निपटने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ आ सकता है। तो अब इधर एल्डर सी की ये बात सुनने के बाद कमांडर ट्यूबा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि ये देख पीछे खड़े नेशनल मास्टर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए उन एल्डर्स से कहते हैं कि एल्डर्स, हमारी इस डील में टियानियो हमें अपनी जमीन का दसवां हिस्सा देने वाला है, जो कि स्पिरिट माइन के खजाने से बड़ा पड़ा है, और ये चीज हमारे बीच टीमिंग सेक्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी है। इधर हमारे कमांडर ट्यूबा अपनी आर्मी के साथ अटैक के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं, लेकिन इन अरे फॉर्मेशंस की वजह से हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे और हमारा टाइम भी काफी ज्यादा वेस्ट जा रहा है, और जितना ज्यादा टाइम हमारे हाथों से निकलता जाएगा हमारे लिए उतना ही ज्यादा बुरा होता जाएगा, और ये भी हो सकता है कि हम इस जंग को हार जाएं। लेकिन इस सब के बाद में जब आप अपने सेक्टर में लौटेंगे, तो इस चीज को समझाना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो अब इधर इंपीरियल ट्यूटर की ये बात सुनने के बाद एल्डर हुआ भी कहते हैं कि इंपीरियल ट्यूटर, क्या यहाँ पे कोई खतरा है। तो नेशनल मास्टर भी कहते हैं कि नहीं, मैं ये कभी भी नहीं कह सकता, ये सब तो मेरा सिर्फ एक निष्कर्ष है, क्योंकि हम ये सब करने में जितना ज्यादा समय लेंगे उतना ही ज्यादा टियानियो के थ्री गार्डियन सेक्टो को हमारी इस योजना का पता लगने का खतरा रहेगा, जिसकी की वजह से हमारा ये आसान क्रेडिट भी बेकार चला जाएगा, और आप एल्डर्स, आप भी यहाँ पे सिर्फ बैठे ही रह जाएंगे, और हम सभी लोगों को यहाँ से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा, और इसलिए मैं ये जानता हूँ कि हम सभी लोग इस चीज को देखना बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अब इधर नेशनल मास्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद एल्डर हु भी उनसे कहते हैं कि इंपीरियल ट्यूटर, आपके कंधों के ऊपर एक अच्छा सिर है। इतना कहकर के एल्डर हु अपने सीट से उठते हुए कहते हैं कि ठीक है, बेहतर होगा कि हम इस चीज से निपट लें। इतना कहकर के फिर एल्डर हु अपने दोनों साथियों से भी कहते हैं, ऑप्शन स्नेक और जयकाल, चलो अब चलते हैं। अब जब हमें टियानियो की वो जमीन मिलेगी, तो हमारे पास मौज मस्ती के लिए भी काफी ज्यादा समय होगा। तो अब इधर एल्डर हु की ये बात सुनने के बाद एल्डर सी भी लियानियर का हाथ छोड़ देते हैं, जो देख लियानियर भी जल्दी से एल्डर हु की गोद से उतरती है और रो करके भागते हुए जाकर के अपने भाई के गले लग जाती है। लेकिन तभी एल्डर सी भी बड़ी तेजी से लियानियर के पास आकर के उससे कहते हैं, लियानियर मुझे तुम मेरे डिसाइपल के तौर पर चाहिए ही चाहिए हो। इतना कहकर के एल्डर सी वहां से जोर जोर से हंसते हुए चले जाते हैं। ल्यू फेंग भी सिर्फ गुस्से में अपने दांत पीसता रह जाता है, जबकि जालान भी गुस्से में कहता है कि क्या आप लोग इन्हें बीस टीमिंग सेक्ट के एल्डर्स कहते हो, क्योंकि ये सब लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक भद्दा मजाक है। जबकि इधर दूसरी ओर नेशनल ट्यूटर कमांडर ट्यूबा से कहते हैं कि ब्रदर टाइसन इधर आए, आप तो क्वानरोंग के सिटी बीस्टो के साथ जीतना जानते ही हैं। तो कमांडर ट्यूबा भी गुस्से में कहते हैं कि जीतना, मैं इस सब को जीतना कैसे कह सकता हूँ, जबकि मैं खुद ही इतना ज्यादा पावरलेस हूँ, यहाँ तक कि क्वानरोंग के कमांडर होने के नाते भी मैं अपनी खुद की बेटी तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो तभी ये सुन इंपीरियल ट्यूटर भी कहते हैं कि ब्रदर, जब हमने बीस्ट टीमिंग सेक्ट से मदद मांगी, तो हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो लोग हमारे पास किस तरीके के बचकाने लोगों को भेजेंगे। हु जियांगमिंग, लैंग कैनबाओ और सी जियांगजी, ये लोग अलाइज के तौर पे सबसे ज्यादा बुरे अलाइज हैं, और मैंने तो सुना है कि यिनशी के पास कपलिंग स्किल भी है, जिसकी वजह से उसने कई सारी लड़कियों की यिन एनर्जी को भी छीन लिया है। लेकिन ब्रदर टाइसन, खतरा तो अब आया है, क्योंकि अब उसकी नजर
आपकी बेटी के ऊपर है। तो इसलिए मैं आपको पहले ही ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द उसे कहीं और ले जाएं, यहाँ पे कि वो जिंसी आपके इस लड़की को ढूंढ ना पाए। तो अविद्र इंपीरियल ट्यूटर की ये बात सुनने के बाद कमांडर ट्यूबा को भी एक झटका लगता है और वो अपनी लड़की के लिए परेशान होते हुए उसकी ओर देखने लगते हैं, जबकि लियानियर भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। तो कमांडर ट्यूबा इंपीरियल ट्यूटर से कहते हैं कि हिज हाइनेस का बेटा क्राउन प्रिंस हान टियानमो, उसने पिछली साल लियानियर के बारे में मुझसे पूछा था, तो क्या मैं उसके बात के लिए एग्री हो जाता हूँ? तो इंपीरियल ट्यूटर कहते हैं कि तो फिर तो जिनसी कभी भी क्राउन प्रिंस की वुमेन के ऊपर अपना हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगी। बाकी अगर एक बार किसी लड़की की जिन एनर्जी को लूट लिया जाता है तो उसकी वो जिंदगी भी उसी के साथ चली जाती है। तो अविद्र इंपीरियल ट्यूटर की ये बात सुनने के बाद तो लियानियर और भी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और अगला सीन हमें वापस से विंड गेस सिटी का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग अभी भी जूफेन की लगाई हुई अरे फॉर्मेशंस के बाहर खड़े होते हैं। उसी वक्त वो सभी इटेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी जूफेन की विंड गेस सिटी के सामने आते हैं। तभी एल्डर लैंग सामने के नजारे को देख कहते हैं कि क्या इसी चीज ने कमांडर ट्यूबा टाइसन को इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया है, क्योंकि इस सब को तो हम सिर्फ अपनी चुटकी बजाते ही खत्म कर देंगे। वो बूढ़ा मूर्ख हमें भेजने के लिए काफी ज्यादा नुकसान उठाने से डर रहा होगा। इतना कहकर के एल्डर लॉन्ग आगे बढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है, अब मैं इसे करने जा रहा हूँ। कि हर कोई जानता है कि एक सेवेंथ ग्रेड की अरे फॉर्मेशन के सामने सब लोगों की ये सारी कोशिशें बिल्कुल ही पॉइंटलेस हैं, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक इटरनल स्टेज के एक्सपर्ट के अलावा कोई भी नहीं तोड़ सकता। अविद्र इतना कहकर के एल्डर लैंग आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वो बाकी के एल्डर्स जो पहले से इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एल्डर लैंग से पूछते हैं कि क्या कमांडर ट्यूबा ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस अजीब सी अरे फॉर्मेशन के सामने तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी फोर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब जब वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तो तभी हमें हमारे ल्यूकलैंड के लोगों को भी दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों इटर्नल स्टेज के एक्सपर्ट्स को ही देख रहे होते हैं। तभी एल्डर थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं वो तीनों तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और वो लोग हमारे इतने ज्यादा करीब आ गए, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को नोटिस तक नहीं कर पाए। तो इधर जूफेन में उन एक्सपर्ट्स को देख कहता है कि इन्हें देख करके लगता है कि ये वही एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें कि यहाँ पे क्वानरोंग अपनी मदद के लिए लेकर के आया है। अब इधर हमें दूसरी ओर उन बाकी के मास्टर्स की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि एल्डर लैंग के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए वो उनसे बड़े ही एरोगेंट तरीके से कह रहे होते हैं कि जाओ जाओ अपना रास्ता देखो, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपना काफी ज्यादा एफर्ट को यूज किया है और कुछ टाइम में हम इसे तोड़ने में कामयाब भी हो जाएंगे, इसलिए अपना रास्ता देखो और हमारे क्रेडिट को छीनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो पहले आता है वही अच्छा करता है और वही सारे क्रेडिट को लेता है। तो अभी तक वो एल्डर लैंग से ये सब कही रहा होता है कि तभी एल्डर लैंग बड़ी तेजी से उन सभी एक्सपर्ट्स के सामने से गुजर जाते हैं, जिस वजह से उन सभी एक्सपर्ट्स को एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि एल्डर लैंग ने उन सभी लोगों के सामने से गुजरते हुए अपनी एक स्पेशल स्किल काउइंग का यूज किया होता है, जो देख करके जूफेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तभी हमें उन बाकी के सभी एक्सपर्ट्स की ओर भी दिखाया जाता है, उन सभी की आंखें पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गई होती हैं। वो लोग वहीं पे खड़े के खड़े रह जाते हैं, जबकि जूफेन भी कहता है कि ये लोग इटर्नल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तो अविद्र जूफेन की ये बात सुन एल्डर लैंग और एल्डर जीटियांग चेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये तीनों के तीनों इटर्नल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं? तो गाइस, फिलहाल जूफेन के इतना कहने के साथ ही मैं इस वाले एपिसोड को यहाँ पे एंड करता हूँ और अब इसके आगे की स्टोरी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अब अगर इस चैनल पे नए हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक लिए टाटा।